हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज फिर से मैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर वन का ऑब्जेक्टिव का पार्ट थर्ड लेकर के आया हूं, जिसमें आपको चैप्टर वन का सारा ऑब्जेक्टिव्स कवर कराया जाएगा। तो इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा कर के उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि एक आवेशित चालक है उसकी सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो हो जाएगा सतह के लंबवत होती है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2015 एनुअल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितना के बराबर होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.99 मल्टीप्लाई 10^9 ESU। तो इसको हम 3 भी मान सकते हैं, 2.99 को 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10^9 ESU भी मान सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, यानी कि अगर किसी गोले पर आवेश हो 10 माइक्रो कूलम तो उस पर उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36π × 10^4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ध्यान रखेंगे विद्युतीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चित्र दर्शाता है दो आवेश Q1 और Q2, यानी कि यहाँ ये Q1 है ये Q2 है, के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों के चिन्ह क्या हैं, यानी कि इनमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके आवेशों के चिन्ह क्या हैं। तो ऑप्शन चार टू आपको चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ए नंबर में कह रहा है दोनों ऋणात्मक, और बी नंबर में कह रहा है ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, सी कह रहा है दोनों धनात्मक, और डी कह रहा है ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों धनात्मक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये दोनों धनात्मक नहीं, ये दोनों ऋणात्मक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q=Ne, जहां E=1.6×10^-19 कूलम है, जहां n के मान है। तो Q=Ne लिखा जाता है तो e का वैल्यू ये हो गया, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे n का वैल्यू हमेशा पूर्णांक में होता है, नहीं फ्रैक्शन में होता है, नहीं नेगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव पूर्णांक में होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल होगा, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल कितना होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P=PI है, विद्युत क्षेत्र E=E0J है, मैं इस पर लगता बल आघूर्ण होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जेड अक्ष की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्स अक्ष पर X=0 पर क्यू तथा X=A पर -2Q आवेश रखते हैं तो ई का मान शून्य होगा। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स हमेशा जीरो से छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्स अक्ष पर X=0 पर क्यू तथा X=A पर 2Q रखते हैं, आवेश क्यू से N1 तथा आवेश 2Q से N2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है,
तब एन वन अपॉन एन टू होगी। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी कि न्यूनतम मात्रा कितनी हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1.6×10^-19 कूलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। कह रहा आगे, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित यानी कि उस पर चार्ज आता है नेगेटिव, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। ऋणावेशित हो जाता है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तभी आवेश का कारण बनता है। तो ये 67 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MLT inverse 3A inverse हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि MLT^-3A^-1। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक स्टेट कूलम इक्वल टू डैश कूलम, यानी कि एक स्टेट कूलम में कितने कूलम होते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/3×10^-9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि σ/ε0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कूलम ऋण आवेश बराबर होता है, एक कूलम ऋण आवेश किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन चार आपके सामने दिया हुआ है, अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि -3×10^9 ESU। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कोई भी अगर खोखला गोलाकार चालक है वो आवेशित है चार्ज्ड है तो उसके भीतर जो है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यानी कि विद्युतीय तीव्रता का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश 2×10^-7 कूलम तथा 3×10^-7 कूलम है, इनके बीच लगते बल का परिमाण है, यानी कि इनके बीच लगने वाला बल है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 mN यानी कि 6 μN ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राशि KE²/GMEMP जहाँ संकेत सामान्य है का विमीय सूत्र यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि m0, l0, t0, a0 इसका यानी कि कोई भी इसका विमीय सूत्र नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 पथ A1, 2, 3 दिखाए गए हैं, यानी कि ये 3 पथ दिखाया गया है, ये। तो आगे कह रहा है यानी कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पथ चिन्ह 3 यानी कि तीसरा वाला ये वाला पथ चिन्ह धनावेशित कण का है, यानी कि धनावेशित कण का है। क्यों धनावेशित कण का है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और ये अगर निगेटिव रहता तो ये एक दूसरे को रिपेल करता, ये पॉजिटिव है तभी ये इधर मुड़ गया है यानी कि आकर्षित हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम 3 धनावेशित कण का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कूलम बल है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलम बल इनमें से कौन सा है? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय बल भी है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, यानी कि सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, यानी कि केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टर्क होगा, यानी कि विद्युत आघूर्ण होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भुजा ए के वर्ग के चारों कोनों का समान आवेश क्यों रखे हैं? किसी एक आवेश पर लगते विद्युत बल का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के है तो के का मान होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि √2 + 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर चुके हैं, यानी कि ये तीन पार्ट में हम लोग कवर किए हैं। तो इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में इन ऑब्जेक्टिव में से कोई भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा, यानी कि इन्हीं में से आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।